शमी को सेकंड ओवर नहीं देना चाहिए था, शमी को 9-10 ओवर में जाना चाहिए था। आप लोग मैच खत्म होने से पहले बाहर हारते हुए देश को हारते कैसे देखते? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ मैच देखने के लिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच देखने के लिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद जाने के लिए। वैसे अहमदाबाद मेरे बगल में ही है, तो मैं दिन में ही जाने वाला था। मैंने सोचा खाना वगैरह खा के चलते हैं, और फिर खाना खाते खाते मैं मैच देखने लग गया, और 10 ओवर के बाद जो इंडिया की हालत ख़राब हुई भाई, उसको मतलब उसके बाद तो यार मूड ही ख़राब हो गया पूरा। मतलब जो जाने का मूड था वो पूरा ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा पूरी बैटिंग देखूंगा मैं घर पे ही बैठ के शांति से, तो पूरी बैटिंग देखी। 240 पे इंडिया ऑल आउट हो गई भाई। इतने मैचेस खेले जिसमें इंडिया जो है कभी ऑल आउट नहीं हुई है, इतने मतलब जो फाइनल के जो मैचेस थे 2023 के, इंडिया ऑल आउट नहीं हुई, और 240 पे तो बिल्कुल नहीं। तो भाई आज जो सबसे मेन मैच है उसमें इंडिया 240 पे ऑल आउट हो गई है। बहुत ख़राब परिस्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति है, और अब तो डिपेंड करता है बॉलिंग और फील्डिंग के ऊपर। तो अगर उसमें कुछ चमत्कार हो जाए, वैसे है अपने साथ अपने पास बॉलर्स भी अच्छे, लेकिन फिर भी चांसेस जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी उम्मीदें जो है वो जमा के रखते हैं, चलते हैं। फाइनली मैंने डिसाइड किया, बोला यार मैं खुद जाऊँ और देखूँ एक बार कि क्या है वहाँ का माहौल, क्या है स्टेडियम। अगर मैं अंदर नहीं भी गया तो मैं बाहर से देखने में भी मज़ा आएगा, देखेंगे पब्लिक क्या, पब्लिक का रिएक्शन है, वहाँ का माहौल क्या है, लोगों को मतलब क्या बोल रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं, और अपने फेस टू फेस जाएंगे तो और मज़ा आएगा। देखते हैं, अगर जीत गई तो भाई मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। पहले चलते हैं यहाँ से, घर से निकलते हैं, मेरा भाई आने वाला है, और वो जैसे ही आएगा वैसे ही जो है घर से निकल लेंगे। और ये घर की हालत है, मैं इंदौर गया था उसके बाद ये डब्बे डुब्बी अभी तक यहाँ पे पड़े हुए हैं भाई। चलते हैं गाइस, पहले निकलता हूँ मैं घर से। तो गाइस फाइनली मैं वहाँ फिर आ गया हूँ जहाँ मैं सुबह उतरा था, इंदौर से आया था तब, और अभी हो रही है शाम, थोड़ी थोड़ी रात हो गई है, 6:30 बज गए हैं, और ट्रेन आने वाली है, और चलते हैं अहमदाबाद भाई। ये स्टेशन पे तो मतलब ऐसे आना जाना है जैसे साला मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पे, क्या करें अब, जाना तो पड़ेगा। इंडिया को इंडियंस की ज़रूरत है, इंडियंस की दुआओं की ज़रूरत है। अभी इंडिया जो है हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, चलते हैं, हिम्मत नहीं हारनी है, मैच जीतनी है भाई। चलते हैं सामने की साइड, ट्रेन आएगी, ट्रेन पकड़ के सीधा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो गाइस अभी मैंने देखा मोबाइल खोल के, तो ऑस्ट्रेलिया की एक विकेट चली गई है 28 रन से पहले ही, तो देख के यार थोड़ी ठंडक मिली दिमाग को और दिल को, और अब थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। फटाफट ट्रेन आ जाए, चलते हैं, 38 हुई है, 45 का टाइम है। फाइनली गाड़ी आ गई है गाइस, चलते हैं बैठ के मैच देखने। पहुँची नहीं अभी स्टेडियम में, सॉरी स्टेशन पे, अभी सब स्टेडियम ही निकल रहा है मुँह से। नई गाड़ी है एकदम नई, देखो पन्नियाँ नहीं छूटी है, एकदम नई गाड़ी है, पेटी पैक नई मेमो उतारी है भाई, ये देखो नई गाड़ी लॉन्च करी है, चलते हैं इसमें बैठ के नई गाड़ी में, चलते हैं गाइस। भाई देखो सब पब्लिक रॉन्ग साइड पे उतरी है भाई, देखो कितनी पब्लिक है, देखो जबरदस्त भीड़ है भाई, भाई देखो कितनी भीड़ है, ये है भीड़ भाई। मैं अभी हाल ही पहुँचा हूँ, पब्लिक तो सब वापस भी जाने लग गई, क्योंकि भाई इंडिया हार रही है, हार गई है, अब क्या बोले, हार रही है यार। देखो पब्लिक भाई साहब, पब्लिक है भाई, पब्लिक बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड, जबरदस्त भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। काश अगर आज इंडिया जीती होती तो भाई जश्न होता, जश्न बोलते हैं, जश्न होता भाई,
आ रही है पब्लिक, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है, सब एकदम चुपचाप घर जा रहे हैं भाई, चुपचाप सबका मुंह उतरा हुआ है। हालत खराब है भाई, हालत सबकी, हालत डाउन है एकदम भाई, किसी से कुछ पूछने जैसा भी नहीं है भाई, क्योंकि अभी सबकी हालत खराब है भाई। अगर जीती होती भाई तो भाई सीरियसली क्या बोलूँ मैं, मतलब अलग ही माहौल होता, अलग देखने लायक माहौल होता भाई। भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही है, पब्लिक कहाँ कहाँ से आई है भाई, ऑल इंडिया से पब्लिक आई, ऑल इंडिया से। ये देखो कितनी प्रेस खड़ी है, देखो गाड़ियाँ, देखो कितने खड़ी है, ये देखो इंडिया टीवी ने, इंडिया टीवी, सारी टीवी खड़ी है यहाँ पे भाई साहब। ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसमें हार गई भाई आज। पूरा स्टेडियम खाली, हर समय गलती करी, राहुल की विकेट कीपिंग बहुत ही पुअर थी, रन बहुत गए, और फिर उनको कहने का मतलब जब रूटीन ये चल रहा था कि फर्स्ट ओवर बुमराह, सेकंड सिराज, तो शमी को सेकंड ओवर नहीं देना चाहिए था, शमी को 9-10 ओवर में जाना चाहिए था। बिल्कुल सबकी हालत खराब है, सबका मूड खराब है, सबसे बड़े स्टेडियम में पहला फाइनल इंडिया हार गई। देश को हारते कैसे देखते, सही बात है। ड्रोन शो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, देखो पूरा इंडिया भाई साहब, जबरदस्त ये स्टेडियम है, नहीं पर आज हमें हमें